हेलो एवरीवन, इंस्ट्रूमेंटेशन विद राजेश में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि अभी जो रामागुंड फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड की जो वैकेंसी आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव की, उसके एग्ज़ाम को हमें कैसे क्रैक करना है, क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, क्या क्या हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे हम प्रिपेयर करें, कैसे हम तैयारी करें ताकि जो है हम उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हमें हमें तो बस एक सीट चाहिए, तो इसलिए हमें मेहनत करना होगा और हमें फाइट करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है। जैसे जैसे कि आपको पता है कि इसमें दो कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है, W3 मतलब वर्कमैन 3 और W6 लेवल की, वर्कमैन लेवल 6 की। वर्कमैन लेवल 3 में जो है बिना एक्सपीरियंस वालों के लिए वो वैकेंसी आई हुई है, मतलब कि जो उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच करना चाहिए। उसके बाद W6 के लिए इन्होंने मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है और बाकी तो डिटेल्स आप जो है ऑलरेडी डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक RFCL, ठीक है, तो उस टॉपिक पे हमारा विशेष फोकस होगा। तो चलते हैं हम लोग जो है सिलेबस देखने और क्या क्या टॉपिक्स हमें तैयार करना है वो देखने, ठीक है दोस्तों। ये बाकी चीज़ें आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आज फोकस करूँगा कि हमें क्या क्या तैयारी करना है जिसके वजह से हम इसको आसानी से क्रैक कर सकें। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि इसमें जो है पहले CVT होगा और CVT के बेस पे ही जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और CVT जो है 150 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, 2 घंटे का CVT एग्ज़ाम होगा। और सबसे बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको सक्रेट बता रहा हूँ कि आप जहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने का कोशिश करिए, ठीक है, जिससे जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर तुक्का लगाने पे कुछ भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपका जो है वो प्लस पॉइंट बन जाता है। कभी कभी तुक्का सही भी लग जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, ठीक है, आपके मार्क्स में जो है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। सेंटर तो ऑलरेडी दिया ही होगा, सबका आ गया है, लगभग एडमिट कार्ड 15 से डाउनलोड कर सकते हैं, मैस मेल सबको आ चुका है कि कहाँ किस किस सिटी में सेंटर होना है, उस हिसाब से एडमिट कार्ड भी अगले 15 तारीख को आ जाएगा। तो आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करिए, हम चलते हैं फिर डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। ओके, यहाँ आप यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2nd का W3 में 11 वैकेंसी हैं, W6 में 6 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल की जो है W6 में 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल की W3 में 3 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की W3 में 4 वैकेंसी ओपन है और 6 W6 में 2 वैकेंसी है, 1 ओपन और 1 जो है SC के लिए रिजर्व वैकेंसी है। फिर केमिकल लैब के लिए भी W3 में 2 वैकेंसी आई हुई है और ऑफिस असिस्टेंट थर्ड ऑफिस के लिए टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें 2 रामागुंडम यूनिट के लिए है और 4 जो है कॉरपोरेट ऑफिस के लिए नोएडा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा ओवरव्यू कि कितने कितने टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ देखिए इसका जो है क्लॉज 6 जो है बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। डिसिप्लिन रिलेटेड में जो भी डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी ब्रांच की वैकेंसीज है उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और बाकी जो है जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड में टोटल आपके 5 टॉपिक्स होंगे, एप्टीट्यूड में जो 50 क्वेश्चन होंगे 5 टॉपिक क्या क्या होंगे आपके, में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक मिला के आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे और जो है बाकी 100 क्वेश्चन जो है आपके डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन में आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हैं, जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी अच्छे से करनी होगी और साथ ही साथ जो भी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि ये फर्टिलाइजर प्लांट है तो फर्टिलाइजर प्लांट में क्या क्या बेसिक चीज़ें मतलब यूज़ हैं हर डिपार्टमेंट की, उससे रिलेटेड आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी।
मैं बेसिकली अभी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन में जो फ्रेशर हैं उनको तो अपने सिलेबस तैयार करने ही है, बेसिक थ्योरी वगैरह, ट्रांसड्यूसर एंड एप्लीकेशन के जो पॉइंट्स हैं, सेंसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा बहुत फील्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी में, डिसिप्लिन रिलेटेड थ्योरी में। तो ये फोकस करना है कि केवल हम किताबों पे ही ना जाए, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम तैयार रखेंगे। स्पेशली हम एक्सपीरियंस वालों की बात करें तो एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने, इनका जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो फर्टिलाइजर प्लांट से ही, मतलब बेसिक फोकस इन्होंने किया है, तो उस डिजायरेबल एक्सपीरियंस के हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का टॉपिक है, गैस क्रोमेटोग्राफ का टॉपिक है, एंटी सर्च कंट्रोलर का टॉपिक है, फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है, और आपका जो है फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ डीसीएस एंड ईएसटी सिस्टम के प्रोग्रामिंग है, लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से, चूंकि ये इस यहाँ स्किल टेस्ट है नहीं, तो हो सकता है कि बेस जो भी एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन हो, फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो भी जो है इनके थ्योरी में ही पूछे जाएंगे। तो इन सब प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस देना है, ताकि अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेंड करके आएँ। अगर कुछ गलत भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फोकस करना है कि पूरे क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है? तो बेसिकली मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ही बता रहा था, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और तो कॉमन जो एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सबके लिए कॉमन होंगे, सभी ब्रांचों के लिए। तो उसमें जो है, देखिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत से टॉपिक्स हैं उतना, लेकिन फर्टिलाइजर रिलेटेड इंडस्ट्रीज में इतना टफ टॉपिक नहीं पूछता है। नॉर्मल समय, स्पीड, टाइम से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड, और बाकी जो है रो से रिलेटेड, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादा टफ, मतलब एक तरह से मॉडरेट लेवल रहता है क्वेश्चन का, इतना हाई मतलब लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बंदे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, इस तरह का प्रिपरेशन तो है नहीं, बैंकिंग के है नहीं को कैंडिडेट कि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टफ वाले। तो मीडियम लेवल का ही तैयारी रखिए नॉन टेक्निकल के लिए, और इंग्लिश में भी जो है ज़्यादातर प्रीपोजिशन वगैरह ही प्रीफर किए जाते हैं, तो उन सब की तैयारी भी आपको रखनी है, ठीक है? प्रीपोजिशन का और मोस्ट प्रोबेबली जो भी प्रीपोजिशन है उन्हीं का क्वेश्चन रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह, और नहीं तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह का आ जाता है। और बाकी जो है जनरल नॉलेज और जनरल वेस जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है, रीजनिंग में तो रीजनिंग में लाइट लेवल का ही रीजनिंग आप प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा टफ में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, अगर थोड़ा बहुत आपने मॉडरेट लेवल का अगर तैयारी कर लिया, तो ये 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल रिलेटेड, तो जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट वाली वैकेंसी है वो आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल पर विजिट करें। मैं स्पेशली आरएफसीएल से ही रिलेटेड टॉपिक का मैं वीडियो यूट्यूब पे अपने वो कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है, आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। मैंने ऑलरेडी एंटी सर्च से रिलेटेड, आपका जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड, कंट्रोल वॉल्व्स और भी इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर्स वगैरह हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से दे दिया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। और सबके लिए बेस्ट विशेस है मेरी कि आप लोग आरएफसीएल क्रैक करके आएँ और अपनी सिलेक्शन कंफर्म कराएं। थैंक यू दोस्तों, वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अटेंड द